morning. Welcome to EBS class. Today is your EBS class and today we will discuss our remaining 11th chapter. So everybody take your book and open page number 69. Plants around us. In this chapter we have already discussed about types of plants, about trees, shrubs, herbs, climber and a creeper. And today we will read that how is a seed growing into a plants. So you can see on page number 69. This picture is showing that how a seed grow into a plant. Before we start this topic, we will discuss the good to know point and just checking points. So, Venus flytrap is a plant that eat insect. When the insect land on the leaf flaps close and insect is trapped inside. Venus flytraps plants have special character. Which type of? It kill the insect. You can see on page number 69, here one picture in good to know points. Venus flytraps एक ऐसा plant होता है जो insect को मार देता है. Insect जैसे ही इसके ऊपर बैठता है, ये अपनी जो leaf है देखो open करी हुई, उन leaves को वो close कर देता है, तो insect अंदर ही फंस जाता है और insect मर जाता है. तो इसका ये specific character होता है Venus flytrap plant का. Now just checking points, which type of plant have woody stem? So we can think that shrubs. Shrubs have woody stem. Woody stem किसका पढ़ा था हमने? Shrubs types का पढ़ा था. B point, name a plant that grow along the ground. Now think about it. कौन सा ऐसा plant है जो ground के along grow करता है? So creeper. C point, do all plant have trunks? No. Only trees have trunk because trees stem we can call them trunk. जो ट्रीज का स्टेम होता है उसको हम ट्रंक बोलते हैं और ट्रंक सारे प्लांट्स में नहीं होता, सिर्फ ट्रीज में होता है. सो यू हैव टू राइट हियर नो विद पेंसिल. नाउ वी विल रीड अबाउट द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन अ प्लांट. नाउ वी विल लर्न दैट हाउ अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट. कैसे एक छोटा सा बीज जिसको शॉल के नीचे डालने पर, उसको फेवरेबल कंडीशन देने पर, पानी वगैरह पिलाने से वो बड़े प्लांट में कैसे चेंज हो जाता है. द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट बिगन विद अ सीड. किसी भी प्लांट की लाइफ जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? एक छोटे से बीज से स्टार्ट होती है. द सीड व्हेन इट गेट वाटर एंड सन लाइट डेवलप इनटू अ सीडलिंग. द सीडलिंग फर्दर डेवलप ऑल द पार्ट्स एंड ग्रो इनटू अ प्लांट. यू कैन सी ऑल दिस फाइव पिक्चर रिलेटेड टू ग्रोथ इन द प्लांट्स. आप भी देखो पेज नंबर 69 के ऊपर. देखो सबसे पहले एक छोटे से सीड को जो है वो मिट्टी में डाला है, इसको जो वाटर वगैरह मिल रहा है, इसको सनलाइट मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है. तो आफ्टर दैट दिस सीड चेंज इनटू सीडलिंग. सीडलिंग मींस न्यू प्लांट. जो बेबी प्लांट है उसको बोलते हैं सीडलिंग. सीडलिंग के बाद देखो प्लांट बन रहा है, उसकी रूट जो है वो नीचे जमीन के नीचे ग्रो कर रही है. उसके बाद आफ्टर दैट एक स्टेज के बाद वो एक बहुत बड़े प्लांट में चेंज हो रहा है. तो इस टाइप से प्लांट के अंदर ग्रो होता है. नाउ यूजेस ऑफ प्लांट्स. नाउ वी विल रीड अबाउट द यूजेस ऑफ प्लांट्स. सो एवरीबॉडी नो दैट देयर आर लॉट्स ऑफ यूजेस ऑफ प्लांट्स इन अवर ह्यूमन लाइफ. वी गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स गिव अस फ्रूट, वेजिटेबल एंड अ ग्रेन. वी गेट गुड फॉर फर्नीचर एंड मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स. यू ऑल आर नो दैट वी गेट ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल फ्रॉम प्लांट्स. जो हम फ्रूट खाने के लिए यूज करते हैं, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है, जो ग्रेन्स है जिसे हम चपाती बना के खाते हैं, आटा भी हमें किससे मिलता है? प्लांट से ही मिलता है. तो हम टोटली फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे होते हैं और एनिमल्स पे भी होते हैं. तो इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. जितनी भी सारी मेडिसिन बनती है, हम सब दवाइयां लेते हैं बीमार होते हैं तब, तो वो सारी किससे बनी होती है? प्लांट्स से बनी होती है. There are homes to many animals, birds and insects. Plants help us to keep the air clean and give us shade. We make paper, clothes and perfume from plants. जो फर्नीचर बने होते हैं हमारे घर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, लाइक बेड है, चेयर है, टेबल है, फर्नीचर जो होते हैं वो भी सारे किससे बनते हैं? वुड से बनते हैं. और वुड हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है. तो इस टाइप से इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है, फर्नीचर बनाने में भी हमें हेल्प करते हैं, हमें अपना फूड भी मिलता है प्लांट से. प्लांट जो होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के होम्स भी होते हैं. जैसे कि सारे बर्ड्स अपना नेस्ट कहाँ बनाते हैं? प्लांट के ऊपर बनाते हैं. प्लांट से हमें शेड ने छाया मिलती है. तो इस तरह से प्लांट हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये एयर को भी क्लीन करते हैं. वी मेक पेपर, क्लोथ एंड
perfume from plants. So it is our duty to protect plant. We should plant more trees and save them from getting cut. So it is our duty that we should not cut tree. We should more and more trees. हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए. हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए. ये हमारी मोरल ड्यूटी है, क्योंकि ट्रीज जो है, प्लांट जो है, वो हमें बहुत ज्यादा सारे आइटम्स प्रोवाइड कराता है. फ्रूट, वेजिटेबल, हाँ, हमारा फूड जो है वो उसके लिए भी हम प्लांट्स पे डिपेंड है. ये हमें छाया भी देते हैं, पूरे एयर को क्लीन रखते हैं, हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं जो हम रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं. सो अवर चैप्टर इज कम्प्लीट एंड क्वेश्चन आंसर वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास.